और मैं हेलो। आपको कितना कॉल कर रही थी, बहुत कॉल कर रही थी। क्या करूं यार, आप लोग के साथ ही तो रहती हूँ। सब लोग कॉल करते हैं, सब लोग की शिकायत रहती है। कहाँ से हो, कहाँ मैं मुंबई से ही हूँ, से? मुंबई से? मुंबई साइन। मैं साइन में डोंगरी में रहती हूँ, साइन में शिफ्टिंग का। क्या हुआ था आपको, पिगमेंटेशन था क्या? आपने फोटो भी नहीं भेजा अपना, भेजा है क्या? भेजी हूँ, दवाई हाँ भी भेजी हूँ, फोटो भी भेजी हूँ। दो हाँ महीना पूरा हो गया, बहुत। बहुत सारा था आपका, फिर आप बोलते फिर अभी भी देखो ना, आती तो इतना आसानी से जाएगा क्या? वो ब्राउन पैच है, वो मुश्किल है आपका। है। पूरा हाँ फोरहेड खराब था, पूरा फेस ही गया था पूरा आपका। फोरहेड, हाँ पूरा। मगर अभी दवाई आपकी, मैंने क्या आपकी जो मैं वीडियो भी नहीं देखी थी। एक मुझे वेटर मिली थी, मैं शादी में रिसेप्शन में गई थी, वहां पर उन्होंने अच्छा, बोले, मेरा मेकअप था, मगर मेकअप पे तो दिखता ही है। तो हाँ वो बोले, मैं आपको एक एडवाइस दूं। मैंने कि बोलो। बोले, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, आप बम्पर रेमेडी यूज करो। अच्छा हाँ, मैं उसका भी शुक्र अदा करती हूँ और आपका भी, क्योंकि अच्छा, फिर वो अल्लाह की तरीके से बंदी बन के आई जो आपकी बम्पर रेमेडी बताई मुझे। हाँ तो चैनल उसने बताया आपको मेरा? हाँ उसी ने मुझे अपलोड करके दिया। बोले आप लो, मैं बात कर, आप बात तो नहीं हो पाएगी उनसे, मगर आप बम्पर रेमेडी यूज करेंगे ना तो आपका 100% जाएगा। मैं उस पर कॉन्फिडेंस हो गई। देखो कितना कितनी अच्छी बात है। मतलब देखो, आप देखो, मतलब एक अच्छा, आप लोग बोलते हो ना, मतलब देखो कि अल्लाह का करिश्मा देखो। और कहाँ हाँ थे आप, उसका नाम नहीं पूछा आपने? हम अपने चैनल पे उसका नाम लेते ना, फिर क्या नाम था उनका? एक्चुअली एक्चुअली क्या वो वेटरिंग है, सर्विंग का काम करते, तो वो बोले मैं नाम भी नहीं बताऊंगी, मगर हाँ वो फ्रेंड की तरीके से मैंने उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं ले पाई। अच्छा आज ही अफसोस करती हूँ, इतना सबसे कांटेक्ट कर रही कि वो वेटर का नंबर मिल जाए कैसे भी। कहाँ पे था आपका वो शादी में इवेंट जो था, वो कहाँ था? इवेंट था डोंगरी में, मेरी फुफी फुफिया सास थी ना, उनके यहाँ था। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगी बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो के थ्रू, मैं कहूंगी कि देखो, ये कहते हैं, इसे कहते हैं इंसानियत, कि मतलब वो वेटर उसने बेचारी नहीं, वो खुद ब खुद मुझे, जैसे अपन जाते हैं तो वेलकम ड्रिंक रहता है ना, वो ड्रिंक के बहाने आती मुझे एक बात बोल के जाती थी। ड्रिंक के बहाने आती थी, एक बात बोल के जाती थी। मैं उसको बोली, मैं मुझे कांटेक्ट किया, आप रुको, मैं अभी अंदर दूसरा हॉल में जा रही हूँ, मैं आती हूँ फिर कांटेक्ट देती हूँ। फिर मेरा इधर हॉल का खत्म हो गया तो मैं चली आई, बहुत कॉल कर रही हूँ उनको। शुक्रिया कह दो आप उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलवाने के लिए भी शुक्रिया। बेटू, वो जो मैडम, उन ऐसे नहीं बोलेंगे कि बेटर है, वो अपना जॉब कर रही थी नहीं माशाल्लाह, नहीं नहीं हाँ माशाल्लाह, वो मगर उनको हैंडल भी इतने अच्छे से कर रहे थे। हाँ हाँ, मतलब आप ये वीडियो के थ्रू उनको थैंक यू बोल सकते हो। इसका मतलब वो हमारी वीडियो देखते देखती है तो आपको भी देखेंगे हैं, और देखते हैं। आप। उन्होंने काफी लोगों को बोला है हाँ मुंबई में, काफी लोगों को उन्होंने बोले, मैंने तो कितने लोगों का ठीक करवा चुकी हुई है। मैंने कि मुझे कांटेक्ट नंबर दो, तो बोले मैं अभी आती हूँ, दूसरे हॉल की तरफ चले गए। फिर मैं इस तरफ चली आई, क्योंकि 11-12 बजे का रहता है बहुत सी जगह हॉलों का, तो वो बंद क्लोज होने लगा था। तो हाँ तो उनको बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, अगर वीडियो देख रही हो तो। हाँ, आपकी वीडियो के थ्रू देखिए, वो हमारी वीडियो वो देखती है तभी तो उन्होंने आपको बताया, तो उसका शुक्र अदा करना जरूरी है। बहुत आप बहुत शुक्र अदा। आपकी भी वीडियो जाएगी और देखेगी वो, तो थैंक यू बोलेगी ना, आपको शुक्रिया अदा करेगी, है ना? बहुत, और मिलेंगे भी कभी बाय चांस तो मैं उनको सामने से बोलूंगी। हाँ, इवेंट मैं में अपनी फुफ्फी से बोली हूँ, मैं अपनी फुफ्फी से बोली हूँ कि
कि वो नंबर मुझे ला के दो, बोले हाँ मैं देखती हूँ। उसका उसको तो इनाम मिलना चाहिए, गिफ्ट देना आप उसको, कुछ भी मिल जाए अगर आपको। बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। और मैं भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने आपको बताया, मुझसे मिलाया, और वो मेरी वीडियो देखती है, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी अप्लाई करे थे। अच्छा, आपकी जो बम्पर रेमेडी है ना, उन्होंने अप्लाई करे तो बोले मेरा तो बहुत था, आपका तो अभी कम है, आप भी आप कर लो। तो मैंने कि मुझे नहीं मालूम सिस्टर, आप बता दो। तो उन्होंने फिर आपका वो यूट्यूब पे लिंक निकाले, मुझे बताए, बोले आप इस पे फिर ड्रिंक से भरने आते, फिर बात करते, फिर हम लोग खाना खा रहे, फिर इस तारे से बात होती। देखिए थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। नहीं पता है, लेकिन आप इनको देख रहे होगे तो मैं आपके वीडियो के थ्रू कह दूं कि जो आपको देख के वो पहचान जाएंगे, तो इनका आपने बताया था तो ठीक हो गया इनका, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत। और कितना मेरे हस्बैंड तो बहुत डांट रहे थे मुझे, बोले नंबर ले लेना चाहिए था पहले। मैंने कि वो बोल के गए अभी मैं आती हूँ, क्योंकि वो जो उनका स्टाफ रहता है ना, तो वो थोड़ा सामने स्ट्रिक्टली खड़े थे, तो इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर सकी थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सही, कितना नेक काम किया, उसको भी दुआ देना आप, उसको भी थैंक यू बहुत। और बहुत मैं नमाज पढ़ती हूँ, उनको याद जरूर करती हूँ उस चीज को। आप देखो कि अल्लाह ताला ने किस तरह से आपको उनसे मिलाया, आपसे मिलाया, और देखो वो फरिश्ता बन के आई आपके सामने, ठीक है ना। और नहीं, अभी बहुत दिनों से मैं कब से कितना स्किन वाले को दिखा चुकी हूँ, कितना खर्च कर चुकी हूँ, कुछ भी फर्क नहीं मिला, तो मैंने छोड़ ही दी थी आज। मैंने की जाने दो, अब जैसा है वैसे ही रहने दो। कितना साल पुराना है आपका? मेरा 12 ईयर हो गया। 12 ईयर तो बहुत अच्छा, और इससे ये पता चलता है कि देखो सच में मेरी फैमिली है, मैं यूं ही फैमिली नहीं बोलती हूँ, और सच में नहीं 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 पाते मैं। मेरा दिल धड़कता है ना, मेरा दिल में मोहब्बत जो उमड़ती है ना मुझे मेरी फैमिली के लिए, वो सच में एक रियल मोहब्बत है, और वो दिखाई देती है पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस रूप में दिखाई देती। और अब भी आप मानोगी नहीं, आज मैं बोल भी रही थी, मैंने कि चलो आज बहुत दिन हो गए मैसेज नहीं करा, मैंने अभी मैसेज करा, मैंने कि चलो अब भी कभी फ्री होंगी जब बात करेंगी जरूर। हाँ, मैसेज किया अगर उतना वो हो गया ना, देखिए मतलब गोरी भी हो गई हो, फेयर भी कलर हो गया। हाँ, मेरा पहले से फेयर था, मतलब जब वो पिगमेंटेशन आया ना बहुत डल हो गया था, एकदम डल। अच्छा, ये देखिए आपने 3 महीना तो इसको यूज करना है, ये 3 महीने में जो चीज है नहीं आपकी जो है, फोरहेड कवर किया है, अभी लाइट हो गया पूरा पूरा। हाँ। नहीं, आईब्रो नहीं बनाती हूँ, अपन लिप 3 महीने तक अभी कुछ नहीं, शादी तक में नहीं गई, कैंसिल कर दी शादी में। हाँ, 3 महीने का खेल नहीं है ये, इससे आपको जाना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस हो गया जे बैठो, नहीं, इसको भी आपको आगे भी जाना पड़ेगा, 3 महीने के बाद भी आपको कंटिन्यू रखना है पूरा बम्पर रेमेडी, ठीक है। जैसे आप यूज करो सप्लीमेंट जो है वो 3 महीने के लिए खा लो और फिर बंद कर देना आप, ठीक है। और बंद सप्लीमेंट मैं ले रही थी, तो मैं क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था ना गॉल ब्लैडर का, तो डॉक्टर से एडवाइस ली, बोले कोई नुकसान नहीं आप ले सकते हो। अच्छा, हाँ तो लेती हूँ, तो कभी वॉमिट होने लगती है, गॉल ब्लैडर का अभी ऑपरेशन हुआ तो बोले मत लो ऐसा करो, तो मैं 15 दिन छोड़ के ऐसे लेती। हाँ तो मत लो आप, क्योंकि आपको इशू है ना, तो मत लो आप सप्लीमेंट। हाँ, तो इसीलिए मैं इसीलिए आपको क्या कहते कॉल कर रही थी, इसीलिए मैसेज कर रही थी। आपको एक इशू है तो मैं नहीं बोलूंगी आपको बिल्कुल। हाँ, नहीं कोई एक, हाँ, सारी चीजें भी होती है जो हमारे फेस को डैमेज करने में मदद करती है, चाइया। हाँ, तो मगर अभी लड्डू वगैरह सब ले रही हूँ, पूछ लिया। अगर आप अच्छे से खा पाते ना अगर मेडिसिन, तो कुछ और ही स्वभाव होता, तो और ही मजा आ जाता फिर। तो जो विटामिन सी की सिरप वगैरह है ना, वो ले लेती हूँ। सिरप पीने का है वो सॉरी सिरप नहीं ग्लूटेन सी पी लेते हो आप? हाँ, पी लेती, वो नुकसान नहीं देता मुझे। फिर क्या नुकसान देता है? ग्लाइको खाते है ना, ग्लाइको गोल्ड लाल। हाँ, ग्लाइको गोल्ड। हाँ, तो उससे थोड़ी होने लगती है, तो उसको 15 दिन छोड़ देती। बंद कर दो, आपके डॉक्टर ने बोला है ना ले सकते हो,
है आप ले लो, जो हजम नहीं होता मत लो, जो ग्लूटेन फ्री है जो पानी में घोल के पीते हैं वो, वो बोले वो तो तुम्हें फायदा है, तुमको फायदा देगा। हाँ सही है, सही अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा। और आप अपनी ऑडियंस से, अपनी यूट्यूब फैमिली से क्या शेयर करना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी, जो भी देख रहे हो ये वीडियो तो वो जरूर यूज करे, और अपने दिल से सोच के यूज करे कि हाँ मुझे फायदा मिलेगा। मुझे भी मालूम नहीं था इस रेमेडी के बारे में, मुझे इतने दिए, मैं उसका भी शुक्र अदा करती हूँ और अप्पी का भी शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी आपको कि मेरे पास एक ऐसा सवाल आया था कि आप उनसे पूछें जिनका ठीक होता है, उनसे ये पूछें कि जैसे कि आपने यूज किया तो क्या आपको जलन हुई, स्किन उतरी या क्या क्या हुआ, मतलब आपको वो सारी चीजें भी शेयर? नहीं, मेरी मुझे जलन हुई थी, ग्लाइकोटोल लगाती थी ना तो खुजली सी होती थी। अच्छा, ऐसा लगता था खुजियाल हूँ मगर नहीं खुजियाल थी। फिर एक दो हफ्ते तक सही रहा, फिर दो हफ्ते के बाद वापस से रेडनेस आ गई। आप बोले थे ना कि रेडनेस आ जाए तो मत लगाना, तो मैं नहीं लगाती थी, सिर्फ मेरा यही रेडनेस रहता था, ये चीज रेडनेस रहती थी और यहाँ पे आ जाते थे, तो मैं छोड़ दी थी दो दिन। अच्छा, दो दिन के बाद वापस से ट्राई करी, वापस से नॉर्मल आ गया था। हाँ, और पील हुआ था, थोड़ा थोड़ा पील हुआ। अच्छा, जब रेड हुआ था आपको तो रेडनेस, एक तो रेड होना होता है जैसे कि सिंपल रेड हो गया, सिंपल या और ज्यादा नहीं हुआ था, जैसे एक जलन सी भी होती मिर्ची जैसी लगती है, तो वो भी हुआ था? नहीं, मिर्ची वाला नहीं हुआ था, नॉर्मल हुआ था, बस यहाँ पे नॉर्मल हुआ था, पानी मारो ना तो आराम से वापस से स्किन आ जाती थी। हाँ, तो फिर आपने ना जब आपका जैसे जलन नहीं होती, जैसे आपकी वीडियो देख रहा है और आप, एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है तो वो जरूर से देखेंगी ये वीडियो, तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर खाली सिर्फ रेड हो रहा है और प्रोडक्ट आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने से तकलीफ नहीं है, जैसे जलन नहीं हो रही, नहीं हो रही है, तो रेडनेस के ऊपर भी आप लगा सकते हो। अगर रेड हो जाता है, कई बार डेंजरस हो जाता है थोड़ा सा देखने में, बहुत डेंजरस, हाँ, तो उस वक्त अगर आप लगाओगे तो मिर्ची लगेगी, खुजली मतलब तो लगेगी, बराबर लगेगी मिर्ची। ऐसा कोई सिचुएशन हो तो ना लगाओ, गैप कर दो, और नॉर्मल सा ऐसा रेड पिंक हो जाता है तो क्या करना है? हाँ, वो रेड जैसा हुआ था, पिंक कलर का हुआ था, तो बराबर मैंने पानी मारा ना, बराबर स्किन आ गई थी, फिर ज्यादा मुझे लगा कि हाँ कि अब ज्यादा हो रही है, आप छोड़ दो, बंद कर दो, मैं बंद कर दी थी। हाँ, यही सारी चीजें, तो ये क्या होता है कि लोगों को ये भी जानना होता है, तो मैं जो सवाल होते है ना वो सवाल मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, क्योंकि अपने मुँह मियाँ मिठू तो सब लोग बनते हैं, अपनी बनते हैं, बिल्कुल बराबर सही बोले हो, अपनी चीजों को तो सब अच्छा कहते हैं, लेकिन आप जो चीजें यूज कर रहे हो उसके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना? तो आपके ही सवाल हैं, जैसे एक बहन ने मुझसे सवाल किया था, मेरी बेटी ने, तो उनके सवाल और आपके जवाब, वो भी यूज करे और आप भी यूज करे, तो मैंने आपके सवाल ही है और आपसे ही मैंने पूछा, इसीलिए तो यही काम है जो सही रहता है, अपना चीज को तो सब अच्छा कहता है, है ना? नहीं, उन्होंने मेरा थोड़ा थोड़ा हुआ था तो मेरे हस्बैंड बोले थोड़ी सा तो लगा ले वापस से, मैंने कि नहीं अभी नहीं लगाऊंगी, अभी बोले उसमें यूट्यूब में, बोले सारी वीडियो देख ली मैंने। चले, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका रिजल्ट देख के, तो हमारी जो ऑडियंस है उसको यूज करना चाहिए बम्पर रेमेडी या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए अभी बम्पर रेमेडी, बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत फायदा कर रही है, और दिल से यूज करना चाहिए एकदम। बहुत से लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी सोचते कि एक महीने में रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं हो सकता है, जिसका ज्यादा रहेगा वो टाइम से ही मिलेगा रिजल्ट। हाँ, जब उसको, वो तो दवा है ना, अब दवा को नहीं, हाँ, तो भाई एक महीने में ही तुम्हें ठीक करना है, ऐसा नहीं कर सकते, दवा है और असर करते करते ही असर करता है, किसी किसी पे नहीं, हाँ, करता है। मैं तो यहाँ मुझे तो एक डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप लेजर करा लेंगे ना तो आपको फायदा मिल जाएगा, मैं अपॉइंटमेंट में भी दे चुकी थी, बच गए। बच गए, अल्लाह ने बचा लिए, बोले अल्लाह ने कुछ और सोचे थे, बोले तुझे एक बंदी से मिला दूंगा बस उसी पे चल,
अल्लाह ने मिला दिए। दोरी का शुक्राना अदा करना अल्लाह ताला बहुत बिल्कुल सारी तारीफ के लिए। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा है, सबको घर में सलाम कहिए मेरी तरफ से, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और फिर से हम दोनों एक बार शुक्रिया अदा कर देते हैं, वो जो लेडीज मुझे मिली थी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देख भी रही हूँ तो कभी मुझे बाय चांस कॉल भी कर ले, उन्हीं के पास जाए जो मेरी खुफिया सास के यहाँ रिसेप्शन था जी, वो समझ जाएंगी। हाँ। और मैं भी थैंक यू कहती हूँ आपको कि आपने ये इनको इस तरह से बता के आपने ये साबित किया कि सच में आप लोग मेरी फैमिली हो और कोई दोस्त नहीं है। मैं सोचती नहीं, मैं प्यार करती हूँ ना, वो मैं सच में आप, आपको यकीन नहीं आएगा पी, वो मालूम मोहम्मद अली रोड पे उन्होंने कितने लोगों को बताया है। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों को बताया उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को दूर करे, अल्लाह ताला आमीन आमीन, परेशानियां अल्लाह ताला उसे दूर फरमा दे, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के साये में रखे, जो अच्छा काम उसे और बढ़ने की तौफीक अता कर दे, तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो बच्ची पता नहीं कौन थी क्या थी आई और सामने से ही आए थे, मुझे कभी मैं जैसे जब बात भी नहीं करती नए इंसानों पे जल्दी नहीं करती हूँ, मगर उन्होंने सामने से बात करे, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कभी मिलना तो मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना आप उनको। बिल्कुल बिल्कुल अपनी बिल्कुल करूंगा, आपकी वीडियो तो देख ही लेंगे, ये वीडियो तो देखेंगे ही, मैं डालूंगी अभी वीडियो तो देख ही लेंगे, वो वीडियो तो होता है तो आपको जरूर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे फिर वो इनशाला। हाँ जरूर मिलेंगे, वो उनको कांटेक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कांटेक्ट, आपको देख के ही पहचान जाएगी वो। हाँ वो पहचान जाएंगे देख के, ठीक है ठीक। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर से बात करो आप। हाँ इंशाल्लाह, हाँ अगर आपसे मिल गए बस, मिले एक नई फ्रेंड मिल गई मेरी, और वो तो है फ्रेंड जो मुझे बताए दवाई। हाँ बिल्कुल सही है, आप सब कुछ सही से चल रहे हो, और मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह का जरूर और सदका जरूर से कीजिए, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल।